हेलो दोस्तों, आज हमारे रमज़ान की ईद है और पूरे 2 साल बाद हम इस ईद को मना रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम ईद को अच्छे कर ही नहीं पाए अच्छे से। अभी 2 साल के बाद हमको मौका मिला है फिर से ईदगाह को जाने का, तो अभी हम जा रहे हैं नमाज के लिए। मैं उधर जाऊंगा, आपको ईदगाह का नज़ारा दिखाऊंगा, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं ईदगाह नमाज के लिए। हिदायत मीडिया के हीरो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम छे, वेलकम बैक हाशमी-वाइन्स। दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा हालात नहीं थे वीडियो बनाए जैसे मेरे, लेकिन अभी इंशाल्लाह भी रेगुलर बनाऊँगा। अभी ईद की नमाज़ हो चुकी है, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो जा रहे हैं, बहुत पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। आप देख सकते हो दूर दूर तक पूरी पब्लिक ही पब्लिक है। 2 साल के बाद, कोरोना के बाद आज ईद मनाई गई है बहुत ही बड़ी, बहुत ही बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हो सब लोग जा रहे हैं, संजय बंसोड़े जी से मिलते हुए आप देख सकते हो संजय बंसोड़े जी भी अच्छे से मिल रहे हैं। ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गसाल के सामने बेबस पड़े होंगे ये महल, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। तो ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है, तो जल्दी करो, उसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुसल देने के लिए तैयार भी नहीं है, तुझसे खौफ आने लगा है। जान दीवारी डरावना बने होते हैं।